गुड इवनिंग बच्चों, आज पढ़ेंगे हम इम्यून सिस्टम के बारे में, प्रतिरक्षा तंत्र। देखिए, प्रतिरक्षा तंत्र क्या है और प्रतिरक्षा तंत्र को अभी पढ़ने की क्या आवश्यकता है। प्रतिरक्षा तंत्र को अभी पढ़ने की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि अभी जब हम आगे कुछ और रोगों के बारे में पढ़ेंगे तो वो रोग बेस्ड हैं किस किस पर, प्रतिरक्षा पर, इम्यूनिटी पर बेस्ड हैं, तो इसलिए प्रतिरक्षा तंत्र को जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं प्रतिरक्षा क्या होता है। प्रतिरक्षा ऐसा तंत्र, प्रतिरक्षा क्या है, ऐसा तंत्र जो हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं से, पैथोजेन से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। ऐसा तंत्र जो किसी भी बाहरी रोगाणुओं से, सूक्ष्म जीवों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, उसी को हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है, इम्यून सिस्टम जो होता है, वो दो तरह का होता है। पहला होता है, आपको यहाँ पर दिखा है, उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र या विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र, इसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं या फिर स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है ना। और जो हमारा दूसरा होता है वो दूसरा है इननेट इम्यूनिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जन्मजात, क्या, जन्मजात प्रतिरक्षा। देखिए, जो जन्मजात प्रतिरक्षा होता है वो बच्चों में जन्म के पहले ही, मतलब वो नेचुरल होता है, ठीक है ना। और इसको क्या करते हैं, जो क्या होता है, पहला है आपका उपार्जित, ये जन्म के बाद मिलता है, और जो जन्मजात होता है वो नेचुरल, मतलब पहले से ही क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर विकसित होता है, ठीक है ना। तो देखेंगे, ये जो प्रतिरक्षा तंत्र है, पहला वाला हम पढ़ते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र या विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र, इसको देखेंगे। फिर इसके बाद हम स्पेसिफिक या फिर ना सॉरी नॉन नॉन स्पेसिफिक या फिर हम इननेट क्या देखेंगे, इम्यून सिस्टम देखेंगे, वो दूसरा है, वो बाद में हम देखेंगे। देखिए, जो उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र है, ये उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, पहला उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र या विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र, ये ऐसे प्रतिरक्षा तंत्र या ऐसे प्रतिरक्षा होते हैं जो क्या करते हैं, जीव अपने जीवन काल में अर्जित करता है। अर्जित का मतलब लेना या धारण करना, ठीक है ना। तो अपने जीवन काल में ये धारण करते हैं या अर्जित करते हैं, इस प्रकार के प्रतिरक्षा तंत्र को हम उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। याद रहे, ये प्रतिरक्षा तंत्र किसी भी जीव को जन्म के बाद मिलता है, जन्म के पहले नहीं, जन्म के बाद। इसीलिए ये क्या है, अब जन्म जब हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे, अर्जित करेंगे, उसको धारण करेंगे, इसलिए इस प्रकार के प्रतिरक्षा तंत्र को हम उपार्जित या एक्वायर्ड, इसको हम एक नाम और देते हैं एडॉप्टिव, क्या नाम देते हैं, एडॉप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए, ये जो उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र है, ये दो बातों पर डिपेंड करता है, मतलब ये जो प्रतिरक्षा तंत्र है, उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र, ये विकसित कैसे होगा हमारे शरीर में, जब हमारे शरीर में कोई एंटीजन चला जाए, क्या चला जाए, प्रतिजन, एंटीजन कोई भी हो, वो चाहे कोई भी जीवाणु हो, कोई भी बैक्टीरिया हो, कोई भी वायरस हो, कोई भी जीव, सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में चला जाए प्राकृतिक रूप से, तब इस प्रकार के प्रतिरक्षा तंत्र क्या होते हैं, विकसित हो जाते हैं। या तो हम क्या करें, खुद से क्या किया जाए, प्रतिजन को अपने शरीर में टीकाकरण के माध्यम से या वैक्सीनेशन के माध्यम से एंटर कर ले, मतलब जो वैक्सीन वगैरह लेते हैं उसके माध्यम से। अभी वैक्सीन वगैरह क्या होता है, वैक्सीनेशन क्या होता है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे इसी में, ठीक है ना। आगे देखिए, अब ये तो बात समझ में आ गई आपको दोनों। अब देखिए, जो उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र है, इसके कुछ मुख्य लक्षण होते हैं जिनको हम मुख्य स्पेसिफिक या उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी कह सकते हैं। पहला ये कि ये जो होता है उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र, ये विविधताएं इसमें दर्शाई जाती हैं। विविधताएं दर्शाई जाने का मतलब, या विविधता दर्शाए जाने का मतलब ये है कि इस प्रकार के जो प्रतिरक्षा होते हैं उनके द्वारा अनेक प्रकार के रोगजनकों को नष्ट किया जाता है, मतलब अलग अलग प्रकार के रोगजनकों को क्या किया जाता है, नष्ट किया जाता है। और दूसरा क्या है, विशिष्टता, ये क्या होता है, विशिष्ट प्रकार के रोगजनकों को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं, और ये हर एक रोगजनकों के लिए विशिष्टता क्या होता है, दर्शाता है। तीसरा जो है स्वयं, मतलब ये खुद को और दूसरों को पहचानने में भी क्या होते हैं, पूर्ण रूप से
क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। इनके अंदर ये पावर होती है कि ये अपने और पराए को पहचान सकते हैं। जैसे बाहर से आने वाले किसी भी रोगाणुओं को रोगजनक कहते हैं, उसको पैथोजन जिसको हम कहते हैं, रोगजनकों को या रोगाणुओं को नष्ट करना तथा अपने अंगों को नष्ट न करना, ठीक है ना। जैसे कहते हैं कि दूसरे का बुरा कर रहा है, अपना बुरा नहीं करता है, तो उसी तरह से ये है कि दूसरे का क्या मतलब, जो बाहर से हमारे शरीर में कोई चीज आएगा उसको नष्ट करेंगे, लेकिन शरीर के जो अंग होते हैं, शरीर का जो कोई भी चीज होगा शरीर के अंदर का, उसको नष्ट नहीं करेंगे। तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये स्मृति या मेमोरी। देखिए उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र स्मृति स्मृति पर मेमोरी पर पूरी तरह से बेस्ड होता है। अगर मेमोरी ना रहे तो उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र काम नहीं करेगा। तो जो मेमोरी सेल, जो मेमोरी क्या होती है या स्मृति जो ये होती है, ये स्मृतियां या दो तरह के क्या होते हैं, प्रतिरक्षा अनुक्रिया जिसको हम इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं, किसी चीज के लिए रिस्पॉन्स करना, ठीक है ना, तो उसको हम प्रतिरक्षा ये अनुक्रिया या इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। वो रिस्पॉन्स दो तरह के होते हैं, पहला होता है प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया और दूसरा होता है द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया। देखिए जो पहला है प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, जब कभी भी हमारे शरीर के अंदर पहली बार कोई भी रोगाणु या पैथोजन, कोई भी रोगाणु या पैथोजन हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो उस समय हमारा शरीर एक विशेष प्रकार का रिस्पॉन्स करता है। हमारा हमारा शरीर जो है, मतलब शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, वो एक विशेष प्रकार का रिस्पॉन्स या अनुक्रिया देता है। उस अनुक्रिया को हम प्राथमिक प्रतिरक्षा तंत्र या प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई, मतलब प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया क्या है। प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया हम उसे कहते हैं जब हमारा शरीर या हमारे शरीर में पहली बार कोई भी रोग या रोगाणु, रोग नहीं रोगाणु, जब क्या हो प्रवेश करें और उसके खिलाफ हमारा प्रतिरक्षा तंत्र एक रिस्पॉन्स दे, एक अनुक्रिया दे, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक प्रतिरक्षा तंत्र या प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया या प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है ना। देखिए अब इस जो प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया है, इस प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया क्या होती है, यह बहुत क्या होता है, तीव्रता से नहीं होती है। ये क्या होता है, बहुत तीव्रता से नहीं होता ये ये जो अनुक्रिया या रिस्पॉन्स होता है इम्यून का, बहुत धीमे धीमे होता है, और इसीलिए क्या होता है कि हम बीमार पड़ जाते हैं। देखिए अगर हमारा कहते हैं, अगर हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो हम बार बार बीमार पड़ेंगे, और हमारा इम्यून सिस्टम फास्ट है, ठीक है ना, तो हम ज्यादा बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ये इम्यून जो रिस्पॉन्स है ये धीरे धीरे कार्य करता है, इसलिए हम बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जो हमारे पहली बार जो हमारे शरीर में प्रवेश किए हैं, आक्रमण किए हैं हमारे शरीर के अंदर, उस आक्रमण से मतलब प्रथम आक्रमण से स्मृति या मेमोरी कोशिका क्या होती, बनती है, और उस मेमोरी कोशिका में मेमोरी क्या होती है, संचित हो जाती है, ठीक है ना। इतनी बातें कहां पर हमने देख लिया, प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया में। अब देखेंगे द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया या सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, इसको कहते हैं, आप इंग्लिश लिख लीजिएगा, हम बोलते हैं, ठीक है ना। यदि वही पैथोजन जो प्राथमिक या पहली बार अटैक किया था, अगर बाद में कभी वो दूसरी बार भी आ गया, एक बार तो आया, लेकिन जब वो आया तो हमारी बॉडी जो उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र है वो एक मेमोरी डेवलप की कि भैया देखिए ये ऐसा अगर फिर से आएगा तो हमको इसके प्रति क्या करना है, रिस्पॉन्स करना है। तो जब वही पैथोजन दोबारा हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे, ठीक है ना, प्रवेश करता है, तो शरीर में स्थित जो मेमोरी कोशिका होती है, जो प्राथमिक इम्यून रिस्पॉन्स में क्या हुई थी, बनी थी, मतलब जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स या अनुक्रिया में बनी थी, वो मेमोरी क्या करेगी, सक्रिय हो जाएगी, और सक्रिय होने के बाद वो क्या होगा, जो रोग जनक या क्या है, रोगाणु है, उनको क्या कर देगी, किल कर देगी या नष्ट कर देगी। अब देखिए ये क्या है, एक तंत्र है। तंत्र का मतलब इसमें विभिन्न प्रकार के ऊतक मिल करके तंत्र का निर्माण करते हैं, आपको पता है, ठीक है ना। अब ये जो तंत्र होता है, मतलब कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे इसमें कोशिकाएं वगैरह ऊतक वगैरह मिलकर के क्या करते हैं, काम करते हैं। तो तंत्र का मतलब क्या होता है, समूह, ठीक है ना, बहुत सारी चीजों का समूह, मतलब ठीक है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, तो हम देखते हैं ये जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है, इम्यून सिस्टम होता है या प्रतिरक्षा प्रणाली होता है, ये किन कोशिकाओं से बनता है,
हमको ये देखना है। तो ये जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है, ये एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है जिसका नाम है प्लूरिपोटेंट, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। क्या नाम है? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनका निर्माण अस्थि मज्जा या बोन मैरो से होता है। प्लूरिपोटेंट जो सेल होता है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, ये ऐसी कोशिकाएं हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा कोशिका भी कह सकते हैं। ये इन कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है? अस्थि मज्जा में उपस्थित जो क्या होते हैं, स्टेम सेल। कौन सी स्टेम सेल? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होता है, उसी से होता है। देखिए फिर से एक बार, प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में उपस्थित प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से होता है। मतलब हम इनको ये कह सकते हैं कि जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है, वो स्टेम सेल विशेष प्रकार के प्रतिरक्षा कोशिकाओं का, प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। देखिए ये जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है, ये दो प्रकार के क्या करती हैं, कोशिकाओं या सेल का निर्माण करता है। पहला जो है उसको हम कहते हैं माइलॉयड स्टेम सेल। ये जो माइलॉयड स्टेम सेल है, ये इसको हम ब्लड स्टेम सेल भी कह सकते हैं। ब्लड स्टेम सेल इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमारे जो ब्लड होता है, ब्लड में कुछ क्या होते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, तो उनके कोशिकाओं के कुछ सब टाइप्स होते हैं जिनका निर्माण माइलॉयड स्टेम सेल करता है। जैसे मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स आदि कोशिकाओं का निर्माण करना। आपको पता होना चाहिए ये क्या है, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स के क्या, सॉरी किसके क्या है, ल्यूकोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स और क्या होते हैं जो आपके थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, उन्हीं के सब टाइप्स हैं ये ना। तो ये सब क्या है, ये सब आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स के क्या है, पार्ट हैं, ठीक है ना, उनके सब टाइप्स हैं। क्लियर हो गया ये? इसमें कुछ क्या होते हैं, जैसे माइक्रोफेजेस हैं, जैसे डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, जो भक्षाणु की क्रिया करते हैं, किसी चीज को निगलते हैं, ठीक है। तो माइलॉयड सेल, माइलॉयड स्टेम सेल क्लियर हो गया। अब देखते हैं दूसरा, लिम्फॉयड स्टेम सेल। ये जो लिम्फॉयड स्टेम सेल होती हैं, ये स्टेम सेल बी सेल का और टी सेल का निर्माण करती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में बी सेल और टी सेल का निर्माण कौन करती हैं, लिम्फॉयड स्टेम सेल, और लिम्फॉयड स्टेम सेल का निर्माण प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल करती हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये जो बी सेल और टी सेल है, इनको हम बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनका निर्माण यहीं से होता है। तो लिम्फोसाइट से इनका नाम लिम्फोसाइट और लिम्फोसाइट पड़ा है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। इस ये जो लिम्फोसाइट स्टेम सेल है, ये एक प्रकार के और क्या करते हैं, कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, जिसको हम एनके सेल कहते हैं, नेचुरल किलर सेल कहते हैं। क्लियर है ये? तो देख लीजिए, अब हम इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है ना। आप ये देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे पढ़ाएंगे।